मैं हूँ प्रियंका, आप सभी के साथ इस समय मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने, जहाँ चार राज्यों में जश्न को मनाया जा रहा है। खुद यहाँ प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। चलिए जनता से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके समय की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी चार राज्यों में जीती है, जनता की भावना आप बता सकते हैं, क्या महसूस कर रही है? देखिए, मुझे तो ये बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैं शुरू से ही, मेरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है और देश प्रेम हमारे परिवार में, दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, मैं परिवार से भी हूँ और दिल्ली में, प्रदेश में उनको पहली बार विश्वास मिला है। आज जो हमने हासिल की है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत है, जो रंग लाई है। आज देश जो है जातिवाद से राष्ट्रवाद की भावना पर आ गया है, जिसका उदाहरण है कि हमने आज चार राज्यों में जीत हासिल की है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर। मैम, इन चार राज्यों में महिलाओं के लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप देश की भलाई के लिए क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं को हमेशा प्रमुखता दी है, चाहे आप मंत्रिमंडल में देख लीजिए, चाहे आप राज्यपाल देखिए जो उन्होंने, और हमेशा ही चाहे वो हिंदू महिलाएं हों, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, उन्होंने प्रयास किया है। आप देखिए, तलाक जो मुद्दा था उन्होंने खत्म किया, और आगे भी वो चाहते हैं आगे तो उनके देखिए, मोदी जी की रणनीति वही राज्यों में होगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, और जैसे महिलाओं की भागीदारी उन्होंने हर चीज में रखी है, उसी तरीके से आगे भी वो रखेंगे। वो अलग देश के लिए, अलग राज्य के लिए, अलग नीति जो अन्य राज्यों में राज्यों में लागू की जाएगी, केंद्र की है नीतियाँ वो सब राज्य में लागू होंगी। कोई विशेष नीति अलग राज्य नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आएगी तो वो सबको पता चल ही जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे चारों राज्यों की और देश की सभी जनता को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बार जो अपना विश्वास जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है जो राजनीति नहीं करती, जो देश को प्रगति के रास्ते पर लेके जाने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है, ऐसी पार्टी को उन्होंने दोबारा से चारों राज्यों में मौका दिया है। सभी चारों राज्यों का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, और हमारे नरेंद्र मोदी जी का, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी का मैं गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारी रणनीति एक ही है कि भारत का किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से धन्यवाद करता हूँ।
आज हमारे मोदी जी ने दोबारा से पूरे यूपी में भगवा लहरा दिया। ये हमारे योगी जी का आज जनता हमारे योगी जी का सलाम कर रही है। हमारे योगी जी ने यूपी में बहुत कुछ कर दिखाया है और आगे बहुत कुछ कर दिखाना है। मोदी जी के नेतृत्व हमारा देश है ना विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो रहा है और हम सबको चाहिए कि हम मोदी जी का योगी जी का भरपूर सहयोग करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे बीजेपी परिवार और आशीर्वादी लोग हैं। बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा जो है खुशियाँ मना रहा हूँ। बहुत खुश है, मन में लड्डू फूट रहे हैं। ये है कि हम तो ये चाहते हैं हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश छोटा ना रहे, सब जगह बीजेपी की सरकार हो और राष्ट्रवादी सरकार हो, जिससे कि हमारा देश जो है विश्व बने और पूरे विश्व में डंका बजे। हमारे कई विशेष कार्य हैं, सबका साथ सबका विश्वास। कुछ कार्य गिना दीजिएगा जनता को कि ऐसे और कार्य क्या करेंगे। इस बार योगी जी दोबारा आए, ऐसे क्या कार्य करेंगे जो अभी हमें अब छूट गए। ऐसा ही योगी जी ने पिछली बार की सरकार में बहुत सारे कार्य किए, अब जो छूटे हैं उन सारे कार्यों को योगी सरकार करेगी। पहला तो देखिए, जैसे मान लो बेरोजगारी का मुद्दा है उसके बारे में विशेष कार्य होगा, और जैसे मान लो बैलों का जो दिक्कत थी गाय बैलों को उसके लिए कार्य करेंगे। कहने मतलब जो भी समस्याएं हैं वहाँ की जनता की, उसके हर समस्या के लिए योगी जी कार्य करेंगे। रोजगार, मैं बता तो रहा हूँ, रोजगार के लिए वहाँ की मान लो जो गाय बैलों की समस्याएं हैं वो सारी समस्या सबके लिए कार्य करेंगे। अपराध जो बचा कुचा है उसको खत्म किया जाएगा। बाबा जी का बड़ा दौरा चलने वाला है, हर कार्य को जो है हमारी स्क्रीन पर हो गई है चालू। भाई साहब हमारी स्क्रीन बंद हो गई है। जय हो नमस्कार जी, हमारी स्क्रीन पर हो गई है चालू। जय हो नमस्कार जी, अच्छा है जय मोटो थोड़ी देर कुछ बोलवा पहले फोटो खिंचवा रहे हैं। बढ़िया फोटो खींच ली। जय श्री राम राम। अरे राम पोस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया।